प्रिय छात्रों नमस्कार। रास क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए वीडियो है आपके लिए। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश जो 50 मार्क्स का है। इसके सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी पहले तो इसका आपका बिहार बोर्ड में 50-50% का आपका ऑब्जेक्टिव, 50% का आपका सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपका कौन कौन से टॉपिक से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टॉपिक्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ग्रामेटिकल से आपका है टेंस, वॉयस, नरेशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और आपका पोएम्स के राइटर्स ऑथर नेम इसमें पूछे जाएंगे। ये जो चार या पाँच हैं ये सभी को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करनी पड़ेगी, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो क्लियर हो पाएंगे और सही ढंग से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सही सही बन पाएंगे। इतने सारे टॉपिक्स को क्लियर करने से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100% सही हो जाने वाला है। आपको ज़्यादा तो इसमें से प्रीपोजिशन ज़्यादा रहता है और नरेशन रहता है, इसको आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका आता है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स वन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपके इसमें फॉलोइंग जो दिए गए हैं इनमें से किसी एक पर 75 वर्ड्स में इसके पैराग्राफ लिखना है। तो क्या क्या है? फर्स्ट है हेल्थ इज वेल्थ, सेकेंड आता है माई फैमिली, इसी में थर्ड है माई हॉबीज, फोर्थ आता है वर्क इज वर्शिप, इसके बाद है माइट इज राइट। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है राइट इन अबाउट 75 वर्ड्स डैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी किसी एक पोएम पर आपको 75 वर्ड्स में आपके बारे में इसमें लिखना है क्या जो आप समझते हैं। फर्स्ट आता है इको, सेकेंड है इफ, थर्ड आपका डेफोरेंस, फोर्थ है द सोल्जर, फाइव है एट अ स्टॉप। अपने प्रोनाउंसिएशन अनुसार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। थर्ड नंबर में आपका क्वेश्चन आता है अबाउट डेविड कॉपरफील्ड। तो अवॉइड अबाउट डेविड कॉपरफील्ड लिखने का मेरा मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर्स रहेंगे, डेविड कॉपरफील्ड जो चैप्टर है इससे आपका एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डेविड कॉपरफील्ड को यानी इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन रहेंगे, यानी इस चैप्टर से कोई भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिससे आप डेविड कॉपरफील्ड एक चैप्टर से इसको आप कवर कर लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से बन सके। नेक्स्ट आपका चार नंबर क्वेश्चन रहता है एंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इच इन 75 वर्ड्स, यानी इस जो क्वेश्चन आपके चार या पांच रहेंगे ऐसे, इसमें से किसी दो पर आपके कितने वर्ड्स में 75 वर्ड्स में इसके बारे में आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट वाज द राइटर एंग्री विथ द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर से आता है। सेकेंड है व्हाट डज जेसी हिल्स से अबाउट ट्रस्ट, थर्ड है राइट द समरी ऑफ द एसे गॉड मैनर्स, गुड मैनर्स। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर में आता है राइट द समरी ऑफ एसे रॉबिन, यानी इस ये जो चार क्वेश्चन हैं इसमें से किसी दो क्वेश्चन पर आपको आने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको रहेंगे कि फॉलोइंग यानी जो आपको दिए हैं इसमें से आपको एनी टू क्वेश्चन के बारे में आपको 75 वर्ड्स में लिखने रहेंगे। ये तो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने बताया है कि चार या पांच टॉपिक्स बताए थे उसी के बीच से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उस चार पांच टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा और ये जो चार पांच क्वेश्चन हमारे द्वारा ये बताया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2020 के लिए। इंग्लिश जिनका 50 मार्क्स का है केवल ये हमारे साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ये आपका ओनली आपके साइंस वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं साइंस वाले सिर्फ इन्हीं के लिए हैं, यानी जिसका संकाय क्या हो, जिनका संकाय विज्ञान हो यानी साइंस है उन्हीं के लिए है और कॉमर्स वाले के लिए है और कॉमर्स वाले के लिए इन्हीं के लिए होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको बहुत गेस किया गया, बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से निकाला गया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।